Guys, welcome back to day two. Day three. Day two. It's day two. मैं तो तुम्हारे साथ दूसरा दिन तो ना. Three. कैसे होगा? We met day two yesterday. So yeah, it's day two for me and day three for them. Day three for you too. We came on Saturday. So कल हमारा day one था ना vlog में. तो आज day two है. परसों vlog नहीं किया. नहीं. So welcome back to day two. आज हम जा रहे हैं. बैंफ एक्सप्लोर करने. कल हमने कहाँ कहाँ गए थे? कल हम बैंफ गोंडोला गए थे, ओपन डॉक गए थे, जायका गए थे, लेक लुइस गए थे. आज हम जाएंगे एक बहुत फेमस कॉफ़ी शॉप है गुड अर्थ बैंफ में. फिर हम उसके बाद जाएंगे लेक मिनी वॉन्ग का. फिर उसके बाद जाएंगे हम जॉनसन कैनियन. बट अभी हम आए हैं मॉक्सीज. हम अभी लंच करने आए हैं. हम लंच करने के बाद जाएंगे बैम. स्टे ट्यून. आपने क्या मंगाया? दिस इज सम मैंगो चिकन विद राइस. आप पहली? मेरा है चिकन अल्फ्रेडो पास्ता. ओके. एंड चिकन टेंडर्स. चिकन टेंडर्स वेजी अल्फ्रेडो. और मैंने मंगाया है चिकन बर्गर. Black and chicken burgers, so without let's bacon. Eat without bacon. कहाँ पे आए हैं हम अनमो? Wild Flower Bakery. Wild Flower Bakery. चलो चलो. Welcome to Wild Flower. The one of the. One of the best in Banff. अभी हम आए हैं वाइल्ड फ्लावर. अनमोल की रिकमेंडेशन थी कि ये बहुत अच्छी कॉफी मिलती है यहाँ पे. आप जैसे व्लॉगर का एक मैंने व्लॉग देखा. आप यहाँ पे आके ये बिल्कुल ट्राई करिए. वाइल्ड फ्लावर मचा. और बिल्कुल मत ट्राई करिए. नहीं नहीं आप ये करिए बिल्कुल ट्राई. अपार्ट फ्रॉम ऑल द कॉफीज आई हैड अभी तक एनालॉग कॉफी हैज बीन द बेस्ट इन कैलगरी. यस. सो आप जब भी यहाँ पे आए बिल्कुल आप यहाँ पर ट्राई करिए. और ये ब्राउनी वगैरह कुछ खा रहे हैं. ब्राउनी इज नाइस. और क्या कहते हैं यहाँ पे फ्रेश बेकरी है तो यहाँ की ब्रेड बिल्कुल मत खाइए. हाँ मोका लाटे भी अच्छी है. सो इट्स वेरी नाइस. यू शुड कम टू दिस प्लेस एंड ट्राई दिस ग्रीन पुदीना रस. आ चुके हैं मिनी वॉन्ग का लेक. और मेरे साथ हैं लेक मिनी वॉन्ग का अनमोल जी. और हमारे साथ है एली राशि और भाई अनमोल. यहाँ पे हमारे साथ दो अनमोल हैं. सो यहाँ पे एक मछली पानी में गई झपाक. अब हमारे पास तीन मछलियाँ हैं जो कि पानी में जाएंगी झपाक. हाँ हाँ मैंने ढके लो. पीछे आप व्यू देख सकते कितना बेहतरीन व्यू है. और हम लोग क्रूज नहीं कर पाए क्योंकि स्लॉट बुक हो गया क्रूज से. हाँ तो वो टाइमिंग्स होती है ना तब आते हैं वापस. तो यहाँ पे बुक करना पड़ता है. वो हमारे लिए हॉर्न मार रहे तो बाय कर देते हैं उनको जाने वाले हैं. बहुत अच्छा व्यू है. हमने मिनी वॉन्ग का लेक घूम लिया है. हम निकल रहे हैं अब यहाँ से. जल्दी से मैं गाड़ी पिक करता हूँ पार्किंग लॉट से. और फिर हम जा रहे हैं जॉनसन कैनियन. जॉनसन कैनियन घूमने के बाद मैं निकल जाऊँगा जैस्पर और ये लोग वापस चले जाएंगे कैलगरी क्योंकि इन लोग की फ़्लाइट है रात में 12 बजे.
So let's go. गाइस हम आ चुके हैं जॉनसन कैनियन और बैंफ से है ये 30 मिनट्स की ड्राइव. सो अब हम आ चुके हैं यहाँ पे और यहाँ पे दो हैं, एक अपर फॉल है एक लोअर फॉल है. तो आज हम लोग सिर्फ लोअर फॉल्स करेंगे क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है और मेरे फ्रेंड्स को जाना है वापस लंदन ओंटेरियो, तो उनकी फ़्लाइट है 12 बजे और मुझे जाना है जैस्पर जो कि है यहाँ से 2 घंटे दूर. तो रात होने से पहले मैं निकल जाऊँगा यहाँ से. सो It is fun. I'll show you how it looks like. यहाँ से भाई नहीं आ रहा. तो गाइस ट्रिप खत्म हो चुकी है, ये लोग वापस जा रहे हैं अब घर दूध के. तो अब ये लोग चले जाएंगे यहाँ से लंदन और मैं चला जाऊंगा जैस्पर. सो इट वाज नाइस मीटिंग यू गाइस और फिर जल्दी मिलते हैं. बस आज से पहुंचना है, चलो ओके गाइस बाय. साइड पे आप देख सकते हो ये बोर ओवर है और वेरी नाइस व्यू. और मैं आपको दिखाता हूँ नीचे उतर के, बहुत ही बढ़िया. और जब फ्रोजन हो जाती है तो यहाँ पे लोग आइस स्केटिंग वगैरह भी करते हैं और कहीं कहीं जगह जहाँ फ्रोजन नहीं होती वहाँ पे लोग कोल्ड प्लंज वगैरह भी करते हैं. सो लुक्स वेरी नाइस और बहुत ही अच्छा व्यू है, बिल्कुल पानी ब्लू है. आई विल शो यू.
गाइस अब मैं जा रहा हूँ वापस जैस्पर. मैंने अपने फ्रेंड्स को सी ऑफ कर दिया था और उनकी फ्लाइट है 12 बजे. सो अब यहाँ से जॉनसन कैनियन से जैस्पर है 3 घंटे का रास्ता. सो इट्स अ 3 आवर ड्राइव और रास्ता बिल्कुल खाली होगा क्योंकि जैस्पर बहुत कम लोग जा रहे हैं क्योंकि वाइल्ड फायर की वजह से टूरिस्ट अलाउड नहीं है. तो जो भी रेजिडेंट्स होंगे वही लोग उनका ही आना जाना होगा. सो इट्स अ लॉन्ग ड्राइव, 3 आवर्स ड्राइव. कल मेरा काम भी है 3 बजे. सो विल ट्राई टू रीच देयर ऑन टाइम. 10 बजे तक मैं पहुंच जाना चाहिए वहाँ पे और उसके बाद कुछ खाने का इंतज़ाम करेंगे. बट ऑल एंड ऑल इट वॉज अ रियली 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 गुड ट्रिप और हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करी और काफ़ी ज़्यादा जगह गए भी हम लोग. सो इट वॉज अ गुड टाइम विद फ्रेंड्स कि जब भी आपके दोस्त मिलते हैं क्योंकि बहुत आइसोलेटेड जगह है ये. अगर आपके फ्रेंड्स नहीं है तो इट गेट्स sometime challenging but it's always good to see your friends. So all in all it was a really nice trip. ab main jaldi se pahunch ke khana wana kha ke ye trip ko end karta hu jaldi se. aur if you like the video please do subscribe, hit the bell icon aur bhi achhi achhi videos main dalta rahunga. thank you all of you and cheers.